यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और मौका था अंबाला आईटीआई में आयोजित कौशल विकास आजीविका दिवस के तहत आयोजित करवाए गए रोजगार मेले का, जिसमें सांसद रतनलाल कटारिया ने राहुल गांधी को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आईटीआई के लिए निमंत्रण भी दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आज ही उन्होंने राहुल और सोनिया को लोन दिया है। दरअसल मोदी सरकार के ग्राम स्वराज अभियान के तहत जरूरतमंदों को कारोबार शुरू करने के लिए बैंक लोन के सैंक्शन लेटर बांटे गए हैं और जिन बच्चों को लोन सैंक्शन लेटर दिया गया है उनमें राहुल और सोनिया नाम के बच्चे भी थे। और अपने चुटीले अंदाज में कटारिया ने मीडिया के सामने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह दिया कि उन्होंने राहुल और सोनिया को लोन दिया है। जो मोदी जी का विजन है, जो मनोहर लाल जी का विजन है ग्राम स्वराज के बारे में, वो निखर कर सामने आ रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि वो सोनिया गांधी का लखते जिगर, वो कहता है कि रोजगार कहाँ है, तो मैं कहूँगा अम्बाला आ जा आईटीआई में। हमने आज ही एक राहुल को लोन दिया है, उसको पैरों पे खड़ा किया है।